इज मैटर अराउंड द स्फीयर का आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग सस्पेंशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे है क्लासिफाई करना है कि कौन सा होमोजेनस है और कौन सा हेट्रोजेनस है। जैसे यहाँ पे सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर क्या होगा? यहाँ पे वुड है, यहाँ पे एयर है, सॉइल है, विनेगर है, फिल्टर टी है। तो यदि हम हेट्रोजेनस बता देते हैं और फिर जैसी हेट्रोजेनस बताएंगे होमोजेनस निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेट्रोजेनस कौन कौन सा है? हेट्रोजेनस, तो हेट्रोजेनस में यहाँ पे आपका है वुड। वुड क्यों है? क्योंकि ये सेलुलोज एसीटेट से बना होता है, इसमें सेलुलोज होता है और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो वुड आपका हेट्रोजेनस है, जो कि अलग अलग हर लकड़ी में सबका सेम कंपोजिशन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए वुड जो है वो आपका हेट्रोजेनस आएगा। इसके साथ जो सॉइल होता है, सॉइल आपका हेट्रोजेनस होगा। तो दो चीज इसमें हेट्रोजेनस है और बाकी जो है होमोजेनस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवेन टू यू इज प्योर वाटर? आप कैसे कंफर्म कीजिएगा कि जो कलरलेस लिक्विड होता है वो प्योर वाटर है? तो कलरलेस जो लिक्विड है उसको हम लोग प्योर वाटर कैसे मानेंगे? तो सिंपल एक चीज करना है कि जो वाटर होता है, यहां पे देखिए जो वाटर है, तो वाटर को हम बॉयल कर सकते हैं। बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अगर बॉयल करने लगेगा, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जो यहाँ पे जो कलरलेस लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। वेपर स्टेट में यदि कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या है? प्योर वाटर है। क्योंकि वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो ऐसा अगर कंडीशन देखने को मिलेगा, दैट मीन्स वो कलरलेस लिक्विड क्या होगा? प्योर वाटर होगा। तो इससे कंफर्म पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द मटेरियल फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? तो ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट्सएप पे सवाल कि कौन सा प्योर होगा। वैसे सिंपली हम यहाँ पे बता देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? आइस है। तो आइस क्या है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वाटर से बना हुआ है। मिल्क जो है, मिल्क क्या होगा? तो मिल्क हेट्रोजेनस होता है, तो मिल्क तो नहीं होगा। उसके बाद आते हैं आयरन। आयरन भी आपका प्योर सब्सटेंस है, जो कंपाउंड एलिमेंट होगा वो तो प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस। क्योंकि प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? प्योर सब्सटेंस के अंदर आपका एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस के अंदर आपका एलिमेंट और कंपाउंड आता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड यहां पे सबसे पहले अलग कर लेंगे। मरकरी भी एलिमेंट है। अब यहां पे ब्रिक वुड एयर आता है, तो ब्रिक वुड एयर इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पे ब्रिक वुड एयर ये सब तो क्या है? मिक्सर है। तो यहाँ पे बस इतना ही आपका क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एलिमेंट और कंपाउंड। तो यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड खोज लेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि जो आइस है, वाटर, वो आखिर प्योर सब्सटेंस कैसे हो गया? तो आइस इसलिए प्योर सब्सटेंस क्योंकि वो H2O से बना हुआ है और उसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आइस है वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वाटर आइस जो है H2O से बना हुआ है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमोंग द फॉलोइंग मिक्सर। यहाँ पे मिक्सर आपको फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन सा मिक्सर है? सॉइल, ये तो मिक्सर है। यहाँ पे जो मिक्सर का सॉल्यूशन आपको बताना है,
तो जो सॉइल है, सॉइल क्या है, सॉइल में तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना, तो सी वाटर सॉल्यूशन है, सोडा वाटर ये भी सॉल्यूशन है, और कौन सा सॉल्यूशन बोल सकते हैं, तो एयर, एयर भी आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि कई तरह के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो एयर भी आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा, जिसमें गैस और गैस पार्टिकल्स हैं। तो इसीलिए एयर, जैसे फोग, मिस्ट, स्मोक, ये सब भी तो एक तरह का सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ये सब पढ़े थे, तो इसीलिए जो एयर है वो आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। सी वाटर भी सॉल्यूशन है और सोडा वाटर, तो यहाँ पे तीन आपका सॉल्यूशन है। अगला पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इसमें कौन सा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, साल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट, स्टार सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो साल्ट सॉल्यूशन होता है ये तो ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये आपका नहीं करेगा। मिल्क, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ये शो करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये भी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। स्टार्च, स्टार्च जो होता है ये आपका कोलाइडल है, तो कौन सा होगा, मिल्क एंड स्टार्च, तो मिल्क और स्टार्च जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, सोडियम एलिमेंट है, सोडियम आपका एलिमेंट है। सॉइल आपका क्या है, सॉइल मिक्सचर होता है, तो सॉइल को मिक्सचर लिखेंगे। शुगर सॉल्यूशन ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन किस में आएगा, ये भी आपका मिक्सचर में ही आएगा। सिल्वर ये एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, कंपाउंड है। टीन ये भी एलिमेंट है, सिलिकॉन ये भी एलिमेंट है। कोयल जो कोयला होता है ये किसके अंदर आएगा, तो ये मिक्सर के अंदर आएगा, ये आपका मिक्सर है। एयर ये भी, सोप, सोप किसके अंदर आएगा, तो ये भी मिक्सर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल मिलकर सोप बनाया जाता है। सोडियम स्टेरेट और पोटेशियम स्टेरेट से सोप तैयार होता है। मीथेन, मीथेन क्या है, कंपाउंड है, तो ये आपका कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। ब्लड क्या है, ब्लड आपका मिक्सर है, तो ब्लड यहाँ पे आपका मिक्सर है। तो इस तरह से हम हर चीज को क्लासिफाई कर लेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर में। इसके बाद आपका यहाँ पे है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, टी बनाने के लिए कौन कौन सा स्टेप होगा। तो देखिए आप लोग घर में चाय तो बनाते ही हैं, वैसे मुझे चाय बनाने नहीं आता है, तो देखिए फिर भी ट्राई करते हैं, सही से चाय बन जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अगर दूध में का चाय बनाएंगे तो दूध सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूध को ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोग दूध को ऐड कर रहे हैं। तो दूध ऐड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो दूध को फिर गर्म करेंगे, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप है। इसके बाद इसमें कुछ इलायची भी डालते हैं, कुछ आदि भी डाला जाता है, जिस टाइप का चाय बनाना रहेगा। तो यहाँ पे उसमें कुछ और भी मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग चाय पत्ती को डालते हैं, जिसको टी बोलते हैं, तो टी लीव्स और टी सीड्स को डालते हैं। इसके बाद इसको मिक्स करते हैं और फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोग इसमें शुगर को ऐड करते हैं, शुगर को ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चाय तैयार हो जाता है और इसके बाद इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। और फिल्टर करने के बाद अब आपके लिए यहाँ पे चाय तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे चार और एक पांच चाय है, तो पांच लोग एक्टिव रहते हैं इसमें, तो उन लोग के लिए यहाँ पे चाय तैयार हो गया है। अब आप इसको पी सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है, यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इसमें चाय के अंदर बहुत सारे चीज को डिसॉल्व किए हैं, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या है इसमें, तो जो चाय पत्ती होता है टी, टी आपका इसमें सॉल्यूट, टी आपका इसमें सॉल्यूट है। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये जो है ये सॉल्यूट है, शुगर भी आपका सॉल्यूट है। इसके बाद यहां पे कहा जा रहा है सॉल्वेंट कौन सा है, तो सॉल्वेंट कौन सा है, मिल्क। तो सॉल्वेंट कौन सा है, मिल्क है, तो यहां पे सॉल्वेंट मिल्क है। इसके बाद डिसॉल्व, तो डिसॉल्व कौन हो जाता है, शुगर, तो यहां पे जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बोला इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कौन है, तो टी जो है इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल आपका टी है। फिल्ट्रेट, तो यहां पे फिल्टर कर रहे हैं, फिल्ट्रेट में क्या आएगा, तो यहां पे टी आ जाएगा फिल्ट्रेट में, जो चाय को फिल्टर कर रहे हैं। रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या बच जाता है, तो यहां पे फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट करने के बाद क्या बचता है, तो चाय टी। और यहां पे रेसिड्यू में आपका आ जाता है बहुत सारा चीज, तो यहां पे रेसिड्यू जो बचा हुआ चीज, तो रेसिड्यू के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे आदि होता है उसको अगर डालेंगे तो वो भी आपका बच जाएगा, जो टी सीड्स होता है तो टी सीड्स ये भी आपका बच जाएगा रेसिड्यू के अंदर। तो इस तरह से हम लोग सभी चीज यहां पे लिख लेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन में इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लगभग कितना होता है, पार्टिकल साइज, तो ये जो पार्टिकल साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से इसमें ज्यादा साइज होता है। तो देखिए सस्पेंशन नॉन होमोजेनस सिस्टम, ये जो है हेट्रोजेनस सिस्टम है, एंड दोज ऑब्टेंड बाय ग्रुप सी, ये सब एक्टिविटी क्या है, ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं होता है। जैसे अगर सॉइल को वाटर के अंदर डालेंगे, तो सॉइल को अगर वाटर में ऐड करते हैं, सॉइल को अगर ऐड करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलेगा, सॉइल जो है नीचे बॉटम लेयर में बैठ जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, लेकिन वो नीचे जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, इसका पार्टिकल इजिली हम लोग के आंख से, खुली आंखों से दिखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आई, तो हम लोग की खुली आंखों से ये इजिली दिख जाता है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। कोलाइडल में भी आपको बताया गया था कि सस्पेंशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एंड पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, पाथ इसमें भी क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन
व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सोल्यूट पार्टिकल होगा वो जमीन में बैठ जाएगा, नीचे सरफेस पे, जैसे सॉइल को, यदि सॉइल को वाटर के अंदर डालेंगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। एंड दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इससे पता चलता है कि जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको फिल्ट्रेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पार्टिकल नीचे जाकर बैठ जाएगा तो वो लाइट को स्केटर नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोइल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड पढ़ना है। अब यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो आपको पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी आपको उसी से रिलेटेड बताया जा रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ये आपको पहले पढ़ाया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलता है। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व इट्स मच सॉल्यूट, तो जितना ज्यादा वो डिसॉल्व कर पाएगा, एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, जितना वो कैपेबल है उसको डिसॉल्व करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। मतलब अब उससे ज्यादा अब इसमें डिसॉल्व नहीं होने पाएगा उस टेम्परेचर पे, तो इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर का यूज करना एकदम जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दिया, अब उससे ज्यादा सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको पहले ही पढ़ा है कि हाँ अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। अब यहाँ पे जितना डिसॉल्व होने पाएगा, तो ये जो डिसॉल्व करने वाला चीज है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है एट दिस टेम्परेचर, इसी को क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्यूशन जितना उसको डिसॉल्व कर पाएगा सॉल्यूट को, उसी को क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हमेशा कम होगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम होगा सेचुरेशन लेवल से, उसको क्या बोलेंगे अनसेचुरेटेड। मीन्स अगर थोड़ा सा अगर नमक को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अनसेचुरेटेड, लेकिन वो जितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकता है यदि उतना हम डालेंगे साल्ट को तो क्या हो जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे है, वी इन्फर फ्रॉम अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलग अलग जो सॉल्वेंट होता है उसका अलग अलग एबिलिटी होता है कि वो कितना को सॉल्युबल कर सकता है, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, तो ये सब का अलग अलग एबिलिटी है एट द सेम टेम्परेचर पे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को क्या कहा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अलग अलग तरीका है, जैसे यहाँ पे देखिए मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मास का केवल जिक्र हो रहा है, सॉल्यूट मास में होगा और सॉल्यूशन भी मास में होगा। सॉल्यूट मान लीजिए साल्ट है, तो यदि साल्ट 5 ग्राम है तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना होगा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन मान लीजिए 100 ग्राम, तो ये क्या हो गया मास बाय मास परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, साल्ट सॉल्यूट 5 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन 100
इंटू डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो कितना हो गया 5%। उसी तरह से यहाँ पे है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए मास है इसका, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे है 5 ग्राम साल्ट और इसको 1 लीटर वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो 1 लीटर पानी में इंटू 100, तो 1 लीटर में हम लोग कर रहे हैं, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? तो इसका जो परसेंटेज आएगा 1 लीटर के कंपेरिजन में या 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर इंटू 100 तो कितना हो गया 500। तो यहाँ पे आ जा रहा है 500, तो ये 500 सही है। तो यहाँ पे 500, तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर को हम लोग ml में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्राम में है, तो इसको ml में बदलना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ml इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ही कैंसिल हो गया और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.5, तो 0.5% ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए 1 लीटर, 1 लीटर आपका मान लीजिए तो 1 लीटर अगर मान लेते हैं वाटर है और 5 लीटर मिल्क है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा वाटर का मिल्क में, तो यहाँ पे 1/5 इंटू के लीटर लेकर है इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 25% नहीं 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं परसेंटेज। और ये क्या निकाल रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर कितना परसेंट है उसमें, तो यहां से निकल जाएगा। लेकिन यहां पे अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर आपको अगर लग रहा हो कि यहां पे कुछ मिस्टेक टाइप से है, क्योंकि ये देखिए ये जो मिल्क है ये मिल्क कंप्लीट सॉल्यूशन का है, ये हम सॉल्यूशन जब लेंगे तब ये इस तरह से होगा, क्योंकि यदि इसको सॉल्वेंट लेंगे तो यहां पे चेंज हो जाएगा, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन का लेना है ना कि सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो मिल्क है ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, वाटर को ऐड करने के बाद इसको इतना लाया गया है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, तो हर जगह पे सॉल्यूशन का जिक्र हुआ है, वैसे आगे आपको सवाल में दिखेगा। अब यहाँ पे देखते हैं ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम है और जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट दिया हुआ है 320 ग्राम। तो हमें क्या निकालना होगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, तो सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम आपका सॉल्यूशन आ गया।
अब हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का यहाँ पे करेंगे 360 ग्राम इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/9, तो यहाँ पे आ गया 100 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 11.1%, क्योंकि 9 से इसको करेंगे तो 11.99 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11.1%। तो इस तरह से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सोल्यूट वाइज सॉल्यूशन करना है, कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूट वाइज सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का भी अगर करना होगा तो सॉल्वेंट वाइज सॉल्यूशन ही करेंगे, नीचे सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, इट इज अ टेम्पररी चेंज, ये टेम्पररी होता है। इसको हम लोग जैसे मान लीजिए आटा है, तो आटा में जैसे पानी को हम लोग डालते हैं तो रोटी सानने के लिए, तो जो उसको तैयार करते हैं फिर से उसको जैसे पहले था वैसे ही ला सकते हैं कि नहीं, तो पानी को वहां से निकाल लेंगे तो फिर क्या जाएगा उस फॉर्मेट में, तो वो फिजिकल चेंज होता है, ये टेम्पररी चेंज होता है। जैसे कागज, अगर कागज को फाड़ते हैं तो फिर से उसको हम उसमें ला सकते हैं उसी सेम टाइप से। तो फिजिकल चेंज में जनरली टेम्पररी चेंज देखने को मिलता है और केमिकल चेंज में परमानेंट चेंज। जैसे कुर्सी को जला देंगे तो फिर से कुर्सी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल, इट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। तो यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं इसको, केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। तो इसमें जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। वनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम रहेगा। अगर चेंज भी होता है, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, फिर भी उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा फिजिकल में। लेकिन अगर नया सब्सटेंस बनता है केमिकल में, तो उसमें जो केमिकल होगा वो बदल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो पहले था उससे बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस, क्लासिफाई करना है कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे व्हाट्सएप पे पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा, वहीं पे डायरेक्ट इसको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है, और इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है, कुछ चीज पोर्शन छूटा है, वो सब व्हाट्सएप पे ही डिस्कस होगा।